सर, जिस तरह से देश के हालात है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देश के इस वक्त जो हालात है बहुत ही गंभीर हालात है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस डेमोक्रेसी की बात सोची थी, जिस संसदीय पार्लियामेंट की बात बाबा साहब ने सोची थी, उसके खिलाफ में यहाँ पे काम हो रहा है और उससे एक जो लोकतंत्र जिसे हम कहते हैं वो खतरे में है। उसके वजह से यहाँ पे तानाशाही एक प्रकार से आगे आ रही है और जो मूलभूत अधिकार होते हैं लोगों के और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स जो दिए हैं उस पे काम नहीं हो, तो ये एक प्रकार से लोकशाही के नाम से बोलो या लोकतंत्र के नाम से यहाँ पे एक डिक्टेटरशिप यहाँ पे शुरू हो गई है और वो खुले आम तौर पर हुई है। तो इसका सामना करने के लिए अम्बेडकरी आंदोलन ने एक जगह आना चाहिए और यहाँ पे जो हमारे मूलभूत अधिकार है और बाबा साहब जिस तरह से इस देश को बनाने की या इस देश को खड़ा करने की बात कर रहे थे, उसके लिए सारे अम्बेडकरी अनुयायियों ने काम करना चाहिए। तो हमने दो एक ढाई साल से एक प्रयास किया है कि अम्बेडकरी आंदोलन में जो बिखराव है या अलग अलग गुट यहाँ पे जो निर्माण हुए हैं, तो इसके लिए कई लोगों ने काम किया और कई बार लोग इकट्ठा हुए, पार्टियाँ एक जगह आई, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए अपने हित के लिए वो फिर से बिखर गई। तो इससे एक आंदोलन जो है बाबा साहब का आगे नहीं गया। तो हम एक नई सोच के साथ में यहाँ एक काम कर रहे हैं और हमारा मानना यह है कि बाबा साहब ने जो मातृ संगठनाएँ बनाई हैं, जैसे कि संता सैनिक दल है, भारतीय बौद्ध महासभा है, और 30 सितंबर 1956 में उन्होंने दिल्ली में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को बर्खास्त करके एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई और इस पार्टी को बनाने के लिए और इस पार्टी में सारे विचार एक समाजवादी विचारधारा के लोगों को इकट्ठा करने के लिए बाबा साहब ने बहुत बड़ी पहल की। जैसा कि बंगाल से एक मुस्लिम नेता एम आर चौधरी है, समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया है, डी गोस्वामी है, मल्होत्रा साहब थे, जयप्रकाश नारायण, और महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि आचार्य अत्रे, एस एम जोशी और नागोरे जैसे उस वक्त के एक दिग्गज और अच्छी सोच रखने वाले सारे लोगों को बाबा साहब इकट्ठा करके एक पार्लियामेंट्री सिस्टम को बचाने के लिए या डेमोक्रेसी सिस्टम को कायम रखने के लिए एक बहुत बड़ा विरोधी संगठन खड़ा हो, ये सोच को लेकर बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। लेकिन हम देखते हैं कि आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अलग अलग गुटों में बटी है, तो हम लोगों में ये एक नई सोच लेके जा रहे हैं कि आज तक के जो प्रयोग जिसे बोलते हैं कि एकता के प्रयोग हुए हैं तो वो गलत है, एकता ये सक्सेस नहीं हुई। तो हम एक नई सोच ऐसी लाई है कि भाई रिपब्लिकन पार्टी के कोई ग्रुप नहीं है। चुनाव आयोग के कागज पत्र को अगर पढ़ते हैं तो फाउंडर बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऐसा जहाँ लिखा है रिपब्लिकन पार्टी के ऊपर, तो जितने भी पार्टियाँ रिपब्लिकन के नाम से बनी है वो खुद अपने अपने पार्टी के फाउंडर है और खुद उनका अपना एक एजेंडा और उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन है। बाबा साहब का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और यही सोच लेकर हम लोगों में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी के ग्रुप नहीं है, कोई गुट है नहीं। अगर चुनाव आयोग के वेबसाइट पर अगर जाते हैं तो हमको पता चल जाता है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया फाउंडर बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उसका रजिस्टर्ड क्रमांक है 191 और उसका अलाटमेंट लेटर जो है मिला वो 10 मार्च 1958 को हमको मिला है और आज भी वो पार्टी एन शिवराज के बाद में दादा साहब गायकवाड़ के हाथ में थी, फिर दादा साहब गायकवाड़ के बाद में वो पार्टी को अलग तरीके से वो अपने हाथ में ली गई। आज गवई साहब नहीं है लेकिन उन्होंने 36 साल इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करके काम किया और उसके बाद में हम देखते हैं कि कर्नाटक से एस राजेंद्रन आज वो पार्टी के अध्यक्ष है और उनके रासू गवई के जो पौत्र है वो जो है
वो 10-11 साल से जनरल सेक्रेटरी करके काम कर रहे हैं, तो रिपब्लिकन पार्टी को 36 और 10, 46 साल तक के एक घर में कैद करके रखा गया है। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी का जो मैनोफेस्टो है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं ऐसा मानता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान सभा में एक स्पीच किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने जा रहा है, तो बाबा साहब ने ये बात बड़े गंभीरता से बोली कि समाज के अंदर, देश के अंदर एक राजनीतिक समता हम तो लाई है, लेकिन सामाजिक आर्थिक विषमता आज भी कायम है। अगर संविधान देश में लागू हो रहा है तो देश के संविधान बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खुद कह रहे हैं कि एक विसंगतिपूर्ण जीवन में हमारा प्रवेश हो रहा है कि हमारे कुछ सामाजिक और आर्थिक विषमता कायम है। वैसे तो 40 साल अगर इस पार्टी को बंद करके रखा है, इसके पीछे की वजह क्या है, आप बता सकते हैं? हाँ, इसके पीछे की वजह यह है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने नेतृत्व के लिए या अपने नाम के लिए, या फिर देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन जो है वो आगे नहीं जाए, इसलिए जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो प्रतिगामी शक्तियाँ हैं, उन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र करके बाबा साहब के आंदोलन को तोड़ने का काम किया, और उस साजिश को ये लोग नहीं समझ सके, और कुछ स्वार्थ के लिए इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी का उपयोग किया। जिस तरह से देश में जिस तरह के आज हालात है, आपको नहीं लगता है रिपाई एकमात्र विकल्प अभी बचा है बहुजन समाज के पास? बिल्कुल सही पूछा आपने, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये ऐसी पार्टी है कि भारत के अंदर में ऐसा मैनोफेस्टो या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी पार्टी का नहीं है। जैसा कि संविधान सभा में बाबा साहब के सामने एक प्रस्ताव आया था कि ये देश हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र है, तो कानूनी तौर पे इसे वो तरीके से लिखा जाए, तो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन का पहला जो आर्टिकल लिखा उसमें उन्होंने इस सारी बातों को नकारा और उन्होंने सीधा लिखा इंडिया दैट इज़ भारत, यानी पहले ही आर्टिकल में उन्होंने ये देश का नाम और इस देश की पहचान बना ली। लेकिन हम देखते हैं कि बाबा साहब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, जैसे कि आज एक दौर चल रहा है कि संविधान के खिलाफ में हिंदू राष्ट्र बनाने की जो पहल चल रही है और जातीय व्यवस्था जो यहाँ पे काम कर रहे हैं राजनीति के अंदर, तो ये सोच उस वक्त भी बाबा साहब के सामने थी, और इसलिए उन्होंने एक नई पहचान, ये भारत को एक नई पहचान दी कि भारत ये केवल भारत नहीं है, इंडिया केवल इंडिया नहीं है, तो एक फिलॉसफी को मानने वाला ये देश है, और वो फिलॉसफी है रिपब्लिक। जैसे समाज में ऐसा भी एक तबका है जो चाहता है कि रिपब्लिकन पार्टी एकजुट हो, और वो उसी तरह जैसे पहले संघर्ष किया उसने, उसी तरह आज भी संघर्ष कर रहे, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं लोगों को लग रहा है एकमात्र विकल्प है, फिर भी वो एकजुट नहीं हो पा रही है, इसके पीछे का क्या, हाल फिलहाल का क्या कारण है? इसमें दो बातें हैं, एक तो नेता अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक संगठन खड़ा कर रहे हैं, दूसरा रिपब्लिकन पार्टी की जो विचारधारा है उसको बहुत सा लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि रिपब्लिकन पार्टी में कोई ग्रुप नहीं है, जो भी जो गुट आपको दिख रहे हैं वो खुद नेताओं ने रजिस्टर्ड किए वाले, उनकी खुद की पार्टी है, उसके वो खुद फाउंडर है। अगर हम बाबा साहब को मानते तो बाबा साहब की पार्टी जो है, जिसके फाउंडर बाबा साहब अम्बेडकर है, उस पार्टी के लिए लोगों ने काम करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि 46 साल में रिपब्लिकन पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पार्टी नहीं चलाई गई, और ना आम आदमी को सभासद बनाया गया। हर 3 साल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है रिपब्लिकन पार्टी के कि एक राष्ट्रीय अधिवेशन हो और सबके सामने राष्ट्र की यानी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाए, लेकिन ऐसी प्रक्रिया आज तक यहाँ नहीं हुई। अगर हम डेमोक्रेसी को मानते हैं, बाबा साहब ने एक लोकशाही प्रक्रिया अगर हमको दी है, तो आम्बेडकरी आंदोलन चलाने वालों ने अपने आप में एक डेमोक्रेसी सिस्टम लाना चाहिए, रिपब्लिकन पार्टी की सदस्यता मुहिम खुली होना चाहिए, और जिनको भी ये लगता कि रिपब्लिकन पार्टी के नीले झंडों को लेकर हम काम करेंगे, तो इन लोगों ने उसकी सदस्यता बनानी चाहिए, और वो सिस्टम जो कॉन्स्टिट्यूशनली बाबा साहब ने दिया है पार्टी संगठन का, उस तरीके से पार्टी को चलाना चाहिए। लेकिन वो बात आज तक हुई नहीं, तो वो विचारधाराओं को लेकर हम आगे चल रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी में कोई ग्रुप नहीं है, रिपब्लिकन पार्टी के कोई गट नहीं है, यहाँ की
प्रतिगामी शक्तियाँ बोलो या फिर यहाँ की राजनीतिक शक्तियाँ पार्टी को तोड़ने के हिसाब से लोगों को नए नए नेता रोज खड़े कर रहे हैं। जैसे कि आज हमारे पास विकल्प के रूप में सिर्फ BSP बची है और उसका भी उस तरीके का प्रदर्शन नहीं दिख रहा है। लोगों का भी ये मानना है कि BSP कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कार्य कर रही है, इस पर आप क्या कहना है? मैं तो पहली बात तो यह कहूँगा कि मैं ज़रा अलग सोचता हूँ कि बहुजन और मूल निवासी ये दोनों शब्द आम्बेडकरी मूवमेंट के लिए घातक है, क्योंकि बाबा साहब ने बहुजन इंडिया नहीं बोला, बाबा साहब ने रिपब्लिक इंडिया बोला। और जो उद्देशिका है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके अंदर में उन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया बनाने की कसम हमको दी है और हम 15 अगस्त 26 जनवरी को वो लेते हैं। अब बहुजन ये शब्द जो है, मैं तो बोलूँगा मूल निवासी जो अब नए तरीके से अभी और आगे आ रहा है, तो दोनों शब्दों के बारे में बाबा साहब आम्बेडकर ने उसकी डेफिनेशन दी है जो लोगों ने पढ़ना चाहिए। जैसे कि महाराष्ट्र सरकार ने एक खंड प्रकाशित किया है, 16वां शायद वो खंड है, और वो डिक्शनरी कोश है और उसके अंदर बहुजन ये शब्द का अर्थ बाबा साहब ने दिया है। जैसे मास ऑफ द पीपल, मल्टीट्यूड, क्राउड, इस तरीके से है। लेकिन बहुजन ये शब्द जो आया है वो जाति व्यवस्था को इकट्ठा करने वाला शब्द है, जो कि रिपब्लिक कंसेप्ट के खिलाफ में है। बाबा साहब जाति निर्मूलन चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति निर्मूलन की बात की, लेकिन बाबा साहब के नाम से यहाँ पे जातियों को इकट्ठा करके राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए एक 85-15 का फार्मूला यह लाया, वो गलत तरीका है। जैसे कि बहुजन ये भी जो कंसेप्ट है, बहुजन के बाद में जो मूल निवासी कंसेप्ट आई है, इसके भी बारे में बाबा साहब ने बोला है कि एबोरिजन ये जो शब्द है जिसके बारे में बाबा साहब ने घटना की मीमांसा एक किताब जो है एडवोकेट BC कांबड़े बाबा साहब के बहुत बड़े सहकारी रहे, उन्होंने लिखी है, और उसके अंदर बाबा साहब ने एबोरिजन ये शब्द के बारे में बोलते वक्त ये लिखा कि इसके ये शब्द को यूज़ करने से हमें जो आशय प्राप्त होना चाहिए वो नहीं होता, इसलिए आर्टिकल 340 41 और 42 बनाते वक्त उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमाती ये शब्द प्रयोग किया है। रिपब्लिकन नाम ये आमतौर पर कई जगह पे सुनाई देता है, लेकिन बाबा साहब ने रिपब्लिकन ही नाम क्यों सोचा अपनी जो पार्टी थी उसके लिए? बहुत अच्छा सवाल है ये। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो एक फिलॉसफी इंडिया को देने के एक सोच उनके थी, इसलिए उन्होंने रिपब्लिक ये वर्ड वहाँ पे यूज़ किया। अब हम देखते हैं कि मोहन भागवत हो या और देश का कोई भी आदमी अगर विदेश में जाता है तो उसका जो पासपोर्ट बनता है तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया करके उसके ऊपर सिक्का अपन देखते हैं, तो बाबा साहब ने कानूनी तौर पे इसे रिपब्लिक इंडिया कह दिया। लेकिन वो रिपब्लिक फिलॉसफी है, वो केवल एक राजनीतिक विचारधाराएँ नहीं है। तो समता, स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय, बुद्धि, प्रामाण्यवाद, इन सारे मूल्यों को जो जीता हो या उसके लिए काम करता हो वो सही में रिपब्लिक होता है। तो रिपब्लिक फिलॉसफी बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैंने अपने गुरु बुद्ध से ली है। उन्होंने जो एक महानतम ग्रंथ लिखा बुद्ध एंड इज धम्मा, उसके पहले प्रकरण में बुद्ध के कुल के बारे में जब वो लिखते हैं तो वहाँ रिपब्लिक और रिपब्लिकन ये दोनों शब्द आते हैं। रिपब्लिक ये शब्द 17वें शतक में अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में आया। आज देश के अंदर 155-160 ऐसे कंट्रीज़ है जो अपने आप को रिपब्लिक कहते हैं। सॉक्रेटिस हो या प्लेटो हो, जैसे कि प्लेटो ने तो 10 खंड रिपब्लिक के ऊपर लिखा, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि मेरी रिपब्लिक विचारधारा दुनिया की विचार रिपब्लिक विचारधारा से अलग है और उस विचारधारा को मैंने बुद्ध से लिया है और ये बहुत प्राचीनतम भारत की विचारधारा है। तो ये थे हमारे साथ रमेश जीवनी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को आज एकजुट आने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, साथ ही में जो अपनी अलग विचारधारा लेकर चल रहे उन्हें एक ही छत्रछाया में आने की ज़रूरत है। जम्बूद्वीप को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।